गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग फॉर MW। और आप लोग सब कैसे अच्छे? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छी हूँ। और मेरा ना के हो गया था, बहुत देर हो गया ना आके आई तो। लेकिन मैं, मेरा हस्बैंड गया था बाजार लाने, तो मच्छी लेके आया। संडे है तो मच्छी लेके आया बोल के मैंने बोली पहला मच्छी को साफ करके लूँ फिर बैठूँ। और ना आके आके ना वैसे ही मच्छी साफ करने के लिए बैठ गई। तो देखिए बांगड़ा काट के लेके नहीं आया, खाली कुप्पाई काट के लेके आई। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग फॉर MW। और आप लोग सब कैसे अच्छे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छी हूँ। और सबका अस्सलाम वालेकुम। और आज है संडे तो सबको हैप्पी संडे। तो चलिए, संडे का सुबह तो मेरे लिए एकदम ये गया, क्या गया वो बाद में बता दूँ। तो चलिए क्या करूँ क्या नहीं देखा दूँ। और मैं नहा के आ गई, लेकिन मैं अभी तक नाश्ता पानी की नहीं। और देखिए पीछे मेरा बंदड़ा देखिए। और मेरा नहा के सबसे पहला आज हुआ, लेकिन मैंने क्या कि वो उसका पापा गया था, वो और उसका पापा दोनों जन गया था मच्छी लाने। तो मच्छी लेके आया, एक मच्छी काट के लाया तो एक मच्छी ऐसे ही लेके आया। फिर वो मच्छी को अभी काटी कुटी सब धो साफ की, फिर दोनों मच्छी को धो धा के, दोनों मच्छी को धो धा के रखी, रख के अभी आके जस्ट बैठी। मैंने बोली नाश्ता करूँ। और उधर से मेरी लड़की ऐसी ताव दिखाती है ना, रोज सुबह ऐसी रहती है सर, पूरा दिन उसका ही ये नकड़ा छेलो ऐसा है उसका पूरा दिन। कुरकुर कुरकुर, एक उसका पीछे नहीं तो मेरा पीछे, हम दोनों का पीछे पूरा दिन वो कुरकुर कुरकुर करती रहती है ऐसी है। और आज का संडे मेरे लिए संडे नहीं गया, क्योंकि आज आने वाला था फेफसा। लेकिन आज कुछ नहीं थी, जो मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, मतलब इन साहिबा का मोबाइल बजाएंगे नहीं। फेफसा लाने जाने वाला था उसका पापा, लेकिन उठाई मैंने 7 बजे उठा भी मैं, घड़ी देखी 7 बजा। मैंने बोली जाओगे नहीं 7 बजे, कब जाओगे? तो मेरे को क्या बोल रहा है, बोलते आज बहुत ठंडी है तो मैं नहीं जा रहा हूँ आज लाने। और बोलता है वो उठेगा तो उसको बोलने का मोबाइल का अलार्म ही नहीं बजा तो क्या करूँ। आज सही में उठी तो बहुत ठंडी था, ऐसा भी ठंडी बहुत चालू हो गई इधर, काल से ठंडी जास्ती चालू हो गया। तो जैसा, और मैं बाल धोई देखिए, बाल बहुत खुजा रहा था तो धो के नहा के आई एकदम। तो चलिए, मेरा मच्छी सब धो धा के काट के हो गया, एक बांगड़ा लेके आया और एक टूना पीस लेके आया, जिसको हम लोग का इधर महाराष्ट्र में बोलते हैं, ये बम्बई में बोलते हैं उसको कुप्पा मच्छी, और वो जावा में उसको टूना पीस बोलते हैं। तो उसको लेके आया, उसको मैं कैसा बनाएंगे आप लोग को बताएंगे। चलिए पहले मैं नाश्ता कर लूँ। चाय ग्रीन टी मेरा पूरा ठंडा हो गया, गर्म करना पड़ेगा। काल भी ऐसा ही हुआ था, नसीब में ग्रीन टी ठंडा मिला, बाद में गर्म करके पी, आज भी गर्म करना पड़ेगा। फिर गर्म करो पियो, फिर झाड़ू उड़ू लगाओ बहुत काम है, वो सब करो फिर खाना बनाएंगे। गाइस आपको क्या लग रहा है, ये एक नॉर्मल, ये नॉर्मल सब्जी है, इसको बोलते भूत बम्बी, क्योंकि ज्यादा इनका भूत बनना एक्टिविटी। अरे क्या हुआ, बाल पूरा नहीं है? अरे बाल पूरा नहीं है क्यों? जरा कम से कम बाल वाली छुरे ले। ऐसा आप लोग का बच्चा लोग करता है क्या? जरा कमेंट करके बोल देंगे मेरा बच्चा लोग मेरा साथ क्या। अभी बाल वाली छुरे बन गए, बाल वाली। आप लोग का बच्चा ऐसा करता है आप लोग का सर? पूरी बाल की क्या हालत कर दिया देख लीजिए। एक बार अरे इतना बड़ा बड़ा बाल है ना, अभी इसको भानत भानत मेरी जान चली जाती है। एक बार पूरा कमर का नीचे तक बाल है, और थोड़ा दिन जाएगा और थोड़ा बड़ा होगा तो घुटना तक आ जाएंगे। कुछ ही महीने में घुटना तक आ जाएंगे देखिए। अरे पूरा पूरा चीज हमें देखना। अरे पूरा नहीं लग रहा। अरे अरे एक मिनट रुको ना, बाल आ जाए ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा पकड़ा यहाँ से ऐसा। हाँ देख ऐसा ही करते हैं, पूरी बाल लेके क्या हालत किया देखते हैं।
वो मेरा बाल लेके खेलेगा, तो चलिए मैं नाश्ता कर लूँ, उसको वो खेलता रहेगा ऐसे ही मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। चलिए फिर मिल रहा हमारा भांगड़ा को मसाला लगा रहे हैं हमारी मातीश्री। आज लेके आए दो किस्म का मच्छी, आज है संडे तो दो किस्म का मच्छी लेके आ गया। एक है बांगड़ा जो फ्राई होएगा, चारी बांगड़ा है। क्या कौन डालता मसाला उसमें, क्या मालूम कैसा गिरा मैंने। ये बांगड़ा अभी फ्राई का बांगड़ा है तो इसको ना मैं काट के नहीं लाया था, तो काट कूट के इधर का तू मोबाइल उधर पकड़ी, काट कूट के साफ करके ली लेके अभी इसमें मसाला लगा के रख लू, ये फ्राई होएगा। और इधर है कोपा मच्छी, ये कोपा बहुत जन इसको टूना फिश भी बोलते हैं, हम लोग का इधर कोपा बोलते हैं, बहुत जगह टूना फिश बोलते हैं। ये सब गोली उली गिरेगा, इतना महंगा गोली आके तेरा। संग बाजा नहीं तो कुत्ते लोग का चालू हो गया। तो चलिए गाइस, मैं टूना मच्छी बनाएंगे जो कोपा मच्छी, उसका काड़ी बनाएंगे, कोपा टूना दोनों ही नाम है उसका, वो मच्छी का काड़ी बनाएंगे। तो काड़ी के लिए क्या क्या चाहिए देखिए, ये गिल्ला नारियल, खोबरा भी बोलता है, नारियल भी बोलता है, गिल्ला नारियल है, जीरा, अदरक थोड़ा सी, एक लहसुन, और इसमें डालेंगे एक दो हरा मिर्ची डाल दो पहले। चलिए दो हरा मिर्ची डाल दी, देख लीजिए दो हरा मिर्ची, लहसुन, अदरक थोड़ा सी, और ये देखिए इतना साइज का अदरक ली जो साफ करके डाले, और एक गिल्ला खोबरा है, गिल्ला नारियल खोबरा दो नारियल है, और थोड़ा जीरा है, इसको अभी पेस्ट बना के लेंगे चारों को एक साथ में, एक दो तीन चार पाँच, पाँचों को एक साथ में पेस्ट बना कर लूँ, फिर कैसा बना रूँ देखा लूँ। चलिए तो चलिए गाइस, मैं अभी ये बैठाएंगे खाना, ये मच्छी टूना मच्छी, मैं फिश करी कैसा बनाती हूँ आप लोग को बता रही। चलिए ये मेरा स्टाइल से मैं बना रही हूँ, मेरा हिसाब से डाल दी मेथी इसमें, अभी डालेंगे काड़ी पत्ता, अभी इसमें एक, तो चलिए अभी इसमें डाल देंगे मैं मसाला, जो नारियल उरियल पेस्ट करके रखी थी ना वो, इसमें नारियल, और मैं इसमें नारियल की दूध नहीं पूरी नारियल ही इस्तेमाल करती। अभी इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, पूरा नमक कम डालेंगे,
क्योंकि इसमें जाएगा कोकम, हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, और जाएगा तिक्का लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सी, और काला लाल मिर्ची पाउडर बस। और मैं ये मच्छी कड़ी में बटाटा नहीं डालेंगे, ये बिगड़ बटाटा का मच्छी कड़ी बनता है। तो चलिए मैं मसाला को अच्छे से, गाइस इसको अच्छे से भूंज के लेना पड़ेगा, तेल छोड़ के आया लेकिन अभी आड़ भी होएगा थोड़ा सी, बाद में इसमें डालेंगे मैं खट्टा के लिए कोकम। और आप लोग के पास कोकम नहीं रहेगा तो इमली को घोल के इमली का पानी भी खट्टा के लिए डाल सकते हो। और मैं ये मच्छी कच्चा बनाएंगे, टूना फिश कच्चा बनाती हूँ मैं, मच्छी को फ्राई उराई कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट सालन में डाल देंगे, कच्चा ही बनता है, बहुत टेस्टी बनता है ये टूना फिश। चलिए इसको होना दीजिए। और ये है मेरा कोकम, में देखिए आला कोकम ये डालने वाली, इसमें नमक भी रहता है, आला कोकम बोले तो नमक भी रहता है, इसके लिए मैं मच्छी में थोड़ा नमक कम डाली। चलिए अभी इसमें डाल देंगे कोकम, मेरा मसाला हो गया, कोकम डाल के फिर पानी डालेंगे। मैं कोकम मेरा अंजाद से मैं डालती, मेरे को जजमेंट है कितना डालने का। अभी पानी डाल देंगे और कोतुंबी, क्योंकि मच्छी डालने के बाद इसको हिला नहीं सकती जास्ती, अरे मच्छी फूटता भी नहीं, कच्चा डालेंगे भी तो कुछ ये नहीं, क्योंकि मेरा मच्छी फूटेगा नहीं। अब डाल देंगे कोतुंबी, अरे ये मच्छी जब पकेगा ना पूरी घर एकदम, मच्छी की जो खुशबू है ना एक अलग सी खुशबू आती है मच्छी से, एक ऐसी है कहेंगे ना पूरी घर भर जाती है इतनी खुशबू। तो चले अभी ये बॉयल होएगा ना फिर मैं मच्छी डालेंगे, नहीं तो अभी भी डाल सकती हूँ मैं, अभी डाल दूँ तो कैसा मच्छी में नमक उमक सब घुसेगा। फ्रिज में रख दी थी मच्छी धो धा के, उसका पापा गोल 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 करके काट के लाया, ऐसा हम लोग कभी मच्छी काट के नहीं लाते, हम लोग का मच्छी हमेशा एकदम छोटा छोटा पीस करके लाता है ये मच्छी, जितना छोटा होएगा ना ये मच्छी का पीस उतना टेस्टी लगता है ये मच्छी। देखे इन लोग दोनों भाई बहन, उसका शैम्पू लगा रही, मेरी लड़की नहाने के लिए गई है और लड़का चिल्ला। तो चले इसको डाल दी, अभी ये पकने दीजिए, इसको ढाकेंगे नहीं, ऐसे खुले में ये पकेगा। तो चलिए बनने के बाद देखा। तो गाइस मैं मच्छी बैठा के आ गई और मच्छी बन रहा है टूना फिश, और जैसा जैसा बॉयल होंगे वैसा वैसा उसकी खुशबू पूरी घर महकता रहेगा, और ऐसा खुशबू आता है ना उसका जैसा मैं बताऊँ। हम लोग का गांव में इंग्लिश मच्छी मिलता है, बहुत महंगा आता है इंग्लिश मच्छी, वो इंग्लिश मच्छी की जैसी खुशबू आता है इसमें, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, थोड़ा खट्टा खट्टा सी खा ले, थोड़ा सी खट्टा खट्टा बहुत टेस्टी लगता है। और मैं जैसा जैसा वो नारियल लेके आए, जैसा जैसा मैं बनाई वैसा वैसा आप लोग बना के खा के देखने का, टूना फिश मच्छी बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग इमली बहुत जगह तो कोकम नहीं मिलता है, कोकम खाली अपना इधर ही मिलता है, बहुत जगह जिधर जिधर कोकम नहीं मिलता है तो इमली से काम चला लेने का, खट्टा के लिए इमली डालने का तो खट्टा बना आ जाएंगे। देखिए बात कर रही तो इसका देखिए, और मेरी लड़की नहा रही है, अभी सालन बनेगा,
सालन जैसे बन जाएगा तो वैसे मच्छी फ्राई कर लेंगे। तो चलिए फिर मिल रही हूँ आप लोग से, मच्छी बन जान दीजिए फिर आप लोग से मिल रही। आज छुट्टी है, कल से स्कूल चालू उसका, तो चले फिर मिल रही। हाँ और हम लोग का इधर मेला बैठ गया ना, कल इन लोग जाके देख के आया, ऐसे ही ओपनिंग हुआ कि नहीं है। लेकिन बैठ गया मेला अच्छा खासा, बहुत मस्त मेला बैठा। अभी हम लोग जाएंगे आज शाम को ऐसे घूम के आएंगे मेले से, कुछ खरीदारी आज नहीं करेंगे ना कुछ, ऐसे ही जाने का और ऐसे ही घूम के आ जाने का। उसका पापा बोलता है कुछ खाने का नहीं तो नहीं जाने का, मैंने बोली ऐसे ही जाने का क्या किधर, हम मैं तो चढ़ती भी नहीं, ये चढ़ा तो एक में चढ़ता है बस, और लड़की एक में वो 20-30-30-40 रुपया लेता है एक टिकट हो जाता है, लेकिन ऐसे ही घूम के आएंगे। तो चलिए फिर मिल, तो चलिए खाना आ गया, मैं ज़रा चावल ले लूँ, ये मेरा मच्छी का सालन देख लीजिए ओके, कुप्पा कुप्पा से इसको है उपास, मतलब इसको एलर्जी है कुप्पा से। और इस दरे बांगड़ा फ्राई जो आधा ही ली मैंने, आधा उसको दी, चार ही बांगड़ा लाया था तो आधा मैंने ली आधा उसको दे दी, बस हो गया। चल चले मैं सालन ले लूँ पहले। तो गाइस मैं खाना ले ली, कुप्पा का सालन जो टूना पीस उसका सालन और पीस अरे बांगड़ा फ्राई, बस सालन बहुत टेस्टी बनता है इसका। तो चलिए मैं खाना खा लूँ फिर आप लोग से बाद में मिल लूँ शाम को, अगर शाम को मेला ऐसे ही घूमने गई तो लेके जाएंगे इधर का मेला कैसा लगता है आप लोग को दिखाएंगे, क्योंकि बहुत मेरा, चलिए मैं बाद में बता रहा खाना खा लूँ, मेरा लड़का टीवी देख रहा है। चलिए हाय गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नहीं अभी कितना बजे रहे मैं बात कर रहा हूँ, 9:05 का मैं अभी, और मैं अकेली हूँ घर पे, अकेले अकेले बैठी हूँ, कोई नहीं है, ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी गिर गई है इधर, इतनी ठंडी चालू हो गई है ना मुंबई में, अभी 2-3 साल से ना ठंडी कुछ जास्ती चालू हो गया, ऐसा ठंडी कभी नहीं था इतना, तो अभी ठंडी बहुत चालू हो गया। और घर पे कोई नहीं है, सब गया हस्बैंड और लड़का गया बाहर घूमने, लड़की गई है दुकान बाजार गई है मतलब बिस्किट लाने के लिए, आप लोग को बोली ना मेला लगा मेला जाएंगे, हस्बैंड ने बोला हाँ जाके आओ ऐसा ही घूम के आओ, कुछ पापड़ उपड़ खा के आओ, मसाला वाला पापड़ मिलता है मेले पे वो खा के बोला, तो मैंने बोली ठीक है तो जाएंगे दोपहर को, सुबह डिसाइड हुआ शाम को जाएंगे हम लोग 4 जन, ए 3 जाना हस्बैंड नहीं जाएंगे काम पे जाएंगे, काम पे जाएंगे। आ गया दोपहर को खाना लेके बैठी, हस्बैंड आ गया, हस्बैंड आया आके बैठा, मैंने बोली काम हो गया, बोलते हाँ काम पे जाते अभी और नहीं जाएंगे अभी कल, तो मैंने बोली ठीक है, तो मेरा लड़का बोल रहा था मम्मी मेरे को मेला जाने का हम लोग को, तो जाओ क्या चलो हम लोग मेला जाएंगे, तो मैंने बोली ठीक है, मेरा हस्बैंड तभी बोला ठीक है जा के तुम लोग 3 जन जा के घूम के, तो मैंने बोली ठीक है। अभी शाम को सोई थी उठाए नहीं, 7:30 बजे उठी शाम को, 7:30 बजे उठाया बोला उठी चाय बने पी सबकी, पीने के बाद अभी मैंने बोली तो जाओ हम लोग घूमने, बोलता है मैं यार मेरा लड़का जा रही बाहर घूमने, हम लोग दोनों घूमने जा रहे, कुछ दो सामान वामान लाने के लिए जा रही, और लड़की तो मैंने बोली तो मैं बोलता है अभी कल जाने का मेला, तो मैंने बोली यार क्या बोलने के लिए कुछ वास्ते नहीं, तो मैंने बोली मैं यार मेरी लड़की बोलता है नहीं मैं आ जाएंगे तो उसको छोड़ के जाएंगे किसके पास ऐसा ऐसा, तो मैंने बोली ठीक है, तो मेरी लड़की बोला तो मैं जा रही दुकान कल मंडे, तो हम लोग का इधर का सब बंद रहेगा ना इसके लिए,
वो चला गया, वो बोला मैं ले क्या लूँ, बिस्किट विस्किट ख़त्म हो गया, कल से स्कूल है, कॉलेज तो नहीं है, क्लासेस है लड़की का, अभी कॉलेज छुट्टी है, 2 तारीख से खुलेंगे कॉलेज उसके, और लड़का का कल से स्कूल ट्यूशन दोनों ही है। तो मैंने बोली ठीक है जा लेके आ, नहीं तो सुबह लाफड़ा हो जाएंगे। गया और मैंने उसका पापा को बोली एक केक भी ले गया, मावा केक, अभी क्रिसमस है ना तो मावा केक मिलता है, इसके बाद नहीं मिलेंगे, अभी जनवरी महीना तक मिलेंगे, उसके बाद बंद नहीं मिलेंगे मावा केक। इसके लिए मैंने बोली मावा केक लेके, बहुत टेस्टी लगता है मावा केक, तो गया रहा वो लाने के लिए लेके आएंगे। अकेले अकेले घर पे छोड़ के चला गया सबको, सब अपना अपना देखते हैं, कोई मेरा नहीं देखता है। जी मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे को भी जरूरत है सबका साथ, जाने के लिए घूमने के लिए सबका साथ, ऐसा ऐसा, लेकिन नहीं कोई नहीं सोचता है ना कोई देखता है, ऐसा है सब अपना अपना देखता है। लड़की देखती है अपनी सहेली लोग को, फ़ोन करेंगे सहेली लोग, वो भी सहेली लोग को फ़ोन करेंगे चले जाएंगे, लड़का वो तो पापा नहीं तो मैं, ऐसा है बीच में रह गई मैं आके लेके, हस्बैंड भी नहीं बोलता है जी चल घूम के आएगा, बट जा तू घूम के आ, वो सब कह करूँ बैठे बैठे ऐसे ही भोड़ो नहीं साबिक के, और कुछ नहीं, और कोई भी नहीं घर पे बात करने वाली, अकेली हूँ। तो मैंने बोली आप लोग से ही बात कर लूँ थोड़ी देर, ऐसा है। तो चलिएगा इस वीडियो भी ख़त्म कर दो, आज के लिए वीडियो इतना ही, हम लोग का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, उसके लिए पैसा नहीं लगता है, और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे को, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आगे बढ़ने का मोटिवेशन करिए, और मेरा चैलेंज को आगे शेयर कीजिए जाते मेरे को सपोर्ट मिले सबकी, क्योंकि सबकी मदद की मेरे को बहुत ज़रूरत है, आप लोग का मदद की बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट की, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे ना कुछ, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं बहुत परेशानी में हूँ, ऐसा है। तो क्या बोलेंगे, कुछ बोलने के लिए ये नहीं है, इसके लिए इस सब चीज़ के लिए एक मैं ब्लॉग बनाएंगे, आप लोग को बताएंगे सब कहानी। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, और गुड नाइट, शिवरात्रि, शिव दिन, और हैप्पी नाइस डे, और केक लेके आने दीजिए, देखा रू कौन सा केक लेके आ रहा है, फिर आप लोग को बता रहे कौन सा केक ला रहा है। चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद, आ गया केक, मेरे फ्रेंडों की वीडियो था जो फंदे को आ रहा है, मेरे भी मेरे पास नहीं आ रही, तो मुझे चाहिए, अरे मेरी फ्रेंड मामा के इधर है चाकू, मुझे हाथ तो हट गया, नहीं पता, हैप्पी बर्थडे मनाने यार मेरा बेटा, हां तो ना, मैंने सॉन्ग सुनी नहीं, लगा देना नहीं।